इसराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक को तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी को भी दुनिया देख रही है। तो क्या आज की रात इसराइल ईरान पर अटैक करेगा? लेकिन धमकी ईरान ने भी दी है कि अगर इसराइल ने पलटवार किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो क्या है ईरान के लिए इसराइल का सीक्रेट प्लान? आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज का पूरा अपडेट क्या कुछ हुआ है वो बता देते हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइली हमले में 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की शुक्रवार को यानी कल शोक सभा है। यूनाइटेड नेशन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फूकांग ने सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल लबनान युद्ध को रोकने की मांग की है। उधर यूएन चीफ ने बोला कि मिडिल ईस्ट में जंग रोकना जरूरी है वरना तबाही मचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ हालिया मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इसराइल के हमलों का समर्थन नहीं करते हैं। हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद से इराक में हसन नसरल्ला के नाम पर नवजात बच्चों का नाम रखने का चलन बढ़ गया है। इराक की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पूरे देश में लगभग 100 बच्चों का नाम नसरल्ला नाम से रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इजरायली हमलों में लेबनान में पिछले 4 दिन में 299 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत पर 3 एयर स्ट्राइक्स की है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इजरायल को दक्षिणी लेबनान के रास्ते घुसने से रोका है। इजरायल ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं, लेकिन बात ईरान की है। दुनिया यही सोच रही है कि आखिर ईरान पर इजरायल कैसे पलटवार करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तेहरान में कल नसरल्ला की शोक सभा है और कल आयतुल्लाह खमेनी की तकरीर भी है। माना जा रहा था कि जब से परिस्थितियां खराब हुई थी तब से आयतुल्लाह खमेनी को एक गुप्त जगह पर रख दिया गया था, लेकिन कल फिर सार्वजनिक रूप से आयतुल्लाह खमेनी दिखने वाले हैं और माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खमेनी की यह तकरीर बड़ी होगी। नसरुल्लाह की मौत के बाद यह भाषण बड़े पैमाने पर सुना जाएगा। पब्लिक प्लेस में वो बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हैं और कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐलान करे ना करे, क्या स्थितियां और उकसाने वाली बनेंगी, इस पर पूरे विश्व की नजर रहेगी। देखिए, इसराइल और ईरान में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? ईरान के मिसाइल अटैक का जवाब इसराइल आखिर कैसे देगा? क्या इसराइल में इतनी हिम्मत है कि वो ईरान को सबक सिखा सके? नेतन्याहू की धमकी के बाद अब ईरानी राष्ट्रपति ने कौन सी चेतावनी दी है? क्या ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के नए बयान से जंग और तेज होने वाली है? इसराइल ने गाजा में हमास को तबाह कर दिया। इसराइल ने लेबनन में हिजबुल्ला पर भी ताबड़तोड़ हमले किए, उसकी टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया। इसराइल यमन के अंदर हूतियों पर भी मिसाइल बरसा रहा है। इसराइल ने सीरिया पर भी अटैक किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि ईरान ने जो उस पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है उसका सीधा जवाब दे सके? आज हम आपको इसराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की एक एक बात डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ईरानी हमले के 48 घंटे बाद भी इसराइल ने कोई पलटवार नहीं किया है, जबकि इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका भी उसके साथ है। वो अमेरिका जिसका पूरे मिडिल ईस्ट में तमाम देशों में दबदबा है, फिर आखिर इसराइल कहां दबा है? ईरान पर इसराइल के पलटवार से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने दे दी बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी। ईरान के राष्ट्रपति बोले, मारोगे तो मिट जाओगे। अब आप ये देखिए, इजरायली सेना लगातार दक्षिणी लेबनन में अंदर घुसती जा रही है। इजरायली सैनिकों ने 36 घंटे तक दक्षिण लेबनन में हिजबुल्ला के इलाके में ऑपरेशन कर उसके 60 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इजरायली सेना को भी नुकसान पहुंचा है। अब इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। इसराइल ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसका ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिण लेबनन में खत्म नहीं हुआ है, उसकी जमीनी लड़ाई हिजबुल्ला से जारी है। लेकिन इजरायली सेना और इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद लेबनन के दक्षिणी हिस्से से लेकर राजधानी बेरूत हिजबुल्ला के अंत की कहानी लिख रहा है।
लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक का जवाब देने में उसे इतनी देरी हो रही है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाने की कसम खाकर भी उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नेतन्याहू की ये धमकी हमले के फौरन बाद ही आ गई थी। फिर नेतन्याहू और इसराइल की सेना अब तक खामोश क्यों है? आखिर अभी तक इसराइल ने ईरान के हमले का जवाब क्यों नहीं दिया है? इजरायली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर पलटवार जरूर करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि ईरान के कौन कौन से ठिकानों को टारगेट करना है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि कितनी सटीकता और ताकत के साथ ईरान पर पलटवार करना है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। आपने इजरायली सेना की ईरान के लिए चेतावनी तो सुन ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने की जो कसम खाई है वो भी देख ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी वजह है जिसने इजरायल को अभी तक ईरान पर पलटवार करने से रोक रखा है? आखिर इजरायल के अंदर क्या चल रहा है? ऊपर से अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने जो धमकी दी है वो भी बहुत बड़ी है। अब इजरायल क्या करेगा? ईरान की तैयारी क्या है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आखिर अभी तक इजरायल ने ईरान पर क्यों पलटवार नहीं किया है? क्या ईरान की धमकी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को रोक दिया है? क्या अमेरिका से इजरायल को ईरान पर पलटवार की इजाजत नहीं मिल रही है? क्या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है? क्या ईरान पर इजरायल से पलटवार से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ जाएगा? ईरान और इसराइल के इस सबसे तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान कतर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कतर ऐसा देश है जो अमेरिका और ईरान दोनों का सहयोगी है, और कतर इस वक्त इसराइल के खिलाफ और ईरान की पूरी तरह साथ। ऐसे में कतर से ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने इसराइल को नई चेतावनी दी है। उन्हें सीधे सीधे कह दिया है कि इसराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि ईरान बार बार एक ही बात कह रहा है, उसने इसराइल पर यह हमला युद्ध नियमों के तहत किया है और ईरानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया है। ईरान ये भी कह रहा है कि नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि ईरान लड़ाई नहीं चाहता लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ खड़ा है। और ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है, ये तो हमारी ताकत का छोटा सा नमूना है। ईरान के साथ लड़ने की सोचना भी मत। तेहरान युद्ध नहीं बल्कि शांति और स्थिरता की उम्मीद करता है। इसराइल हमें प्रतिक्रिया के लिए मजबूर कर रहा है। कई एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि इसराइल के लिए गाजा से होने वाले हमलों से निपटना आसान है लेकिन ईरान से होने वाले हमलों से नहीं, क्योंकि ईरान के पास हमास और हिजबुल्ला से बेहतर तकनीक है। ईरान के पास बेहतर रेंज की मिसाइलें हैं जो अपने लक्ष्यों को भेद सकती हैं। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।